हेलो गाइस, मैं हूं आपका राइटर दोस्त मनीष। सो वेलकम टू माय चैनल। और आज एक काफ़ी अच्छी वीडियो लाया हूं मैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं TVS NTORQ रेस एडिशन और रेस XP का डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन है। सो आपके लिए डिसीजन थोड़ा ईजी हो जाएगा अगर आप TVS NTORQ लेने की सोच रहे हैं कि आप रेस एडिशन लें या रेस XP लें। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको TVS NTORQ की डिटेल्स। सो गाइस, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो प्राइस का आता है। जो आपका रेस एडिशन है वो कॉस्ट करता है 79,575 का एक्स शोरूम दिल्ली, और जो आपका रेस XP है वो कॉस्ट करेगा 83,275 का एक्स शोरूम दिल्ली। सो इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको पहले। सो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा 3700 का। सो 3700 रुपये का आपको डिफरेंस मिलेगा दोनों के प्राइस में। और जो रेस एडिशन है उसी से जन्मा है आपका रेस XP। सो उसमें मतलब अगर मैं बात करूँ तो दोनों में फीचर सेम है, बस हल्का सा 1 BHP का पावर का डिफरेंस है और बाकी पूरा स्पेसिफिकेशन स्कूटर की मतलब स्ट्रक्चर और बॉडी, सो वो सारा सेम है। बस आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, डिफरेंस मैं आपको एक बार ज़रूर बता देता हूँ। सो गाइस, रेस XP में आपको मिल जाता है थोड़े और एडवांस कलर और थोड़े और अच्छे कलर, थोड़ा ग्राफिक्स और बेटर मिल जाएंगे उसमें, और उसमें मिल जाएगा रेड कलर एलॉय व्हील्स। सो रेस XP में आपका एक ही कलर आता है, उसमें आपको वॉइस कमांड वगैरह है, बट वो मोबाइल के थ्रू होगी। आप मोबाइल के थ्रू वॉइस कमांड कर सकते हैं और स्कूटर आपको रिस्पॉन्ड कर देगा ऑन द स्क्रीन, ऑन द डिस्प्ले। उसकी वॉइस कमांड जो है वो 20 वॉइस कमांड है जो ऑलरेडी प्री सेट है, आपको उसी वॉइस कमांड पे बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि स्कूटर चल मेरे घर, सो ऐसा नहीं होगा, आपको उसी प्रीसेट से बोलना पड़ेगा। सो ये फीचर उसमें डाला गया है मेन। और उस पर है स्ट्रीट और रेस मोड, सो वो मोड में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्ट्रीट मोड में कॉमन है, स्ट्रीट मोड तो आपका उसमें भी आता है दूसरे रेस एडिशन में, इसमें आपका रेस मोड आता है। रेस मोड में आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये टॉप स्पीड जाएगा 98 किलोमीटर्स की, और जो रेस एडिशन है वो टॉप स्पीड जाता है 95 की। बाकी राइडर्स तो यार इससे ज़्यादा भी इन्होंने खींच लिया इसको, बट जो मैक्सिमम कंपनी क्लेम करती है वो ये है। बाकी यार रेस एडिशन में भी ग्राफिक्स अच्छे हैं। रेस एडिशन में आपको दो कलर्स के ग्राफिक मिलेंगे, येलो एंड रेड, और उसमें भी सारे स्पेसिफिकेशन आपकी सेम है जो स्कूटर की। बस फ़र्क कहाँ आता है, जो एक चीज़ में फ़र्क आता है जो इंजन की पावर में, BHP में। जो रेस एडिशन है वो आपका 125 cc वो भी है, बट वो आपका 9.4 PS का हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 7000 RPM, और वहीं रेस XP आपका प्रोड्यूस करता है 10.06 PS का हॉर्स पावर, वो भी 7000 RPM पर। सो गाइस, कितने का फ़र्क हुआ, 9.4 और 10.06, सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी पूरी स्पेसिफिकेशन सेम है। और रेस एडिशन आपका 10.5 का न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है 5500 RPM पर। रेस XP आपका 10.8 का न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है 5500 RPM पर। सो 1 BHP का फ़र्क है और ग्राफिक्स का फ़र्क है और आपका वॉइस कमांड। और TVS ने रेस XP के लिए थोड़ी सी मतलब लुक एंड फील उसका ऐप का जो है वो थोड़ा चेंज किया गया है उसमें। और बाकी यार दोनों में क्या मिल जाएगा, मैंने ब्लूटूथ एनेबल तो दोनों मिल जाएगा, LED लाइट मिल जाएगी, टायर साइज सेम है, बाकी बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, नेविगेशन सेम मिलेगा आपको, लास्ट पार्क लोकेशन आप दोनों में देख सकते हो, और कॉलर ID डिटेल वगैरह ये भी सब सेम है उसमें, कॉमन है। सो वो सारे फीचर्स आपके कॉमन है, बस डिफरेंस वही आपका वॉइस कमांड। सो वो आपका वॉइस कमांड से हो जाएगा थ्रू द मोबाइल। और उसमें एक चीज़ और ऐड की गई है रेस एडिशन में, उसका थोड़ा जो मतलब डिस्प्ले का ग्राफिक्स है, डिस्प्ले है वो थोड़ी सी बदल जाती है। रेस एडिशन में आपके लैप वगैरह आ जाएंगे, उसमें 0 to 60 की टॉप स्पीड बता देगा कितनी टॉप स्पीड पर 0 to 60 गई है, कितने सेकेंड में गई है। सो ये थोड़ा सा फ़र्क है। और बाकी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो टॉप स्पीड ये जाती है, सो रेस एडिशन आपका जाता है 0 to 60 9 सेकंड में 0 to 60, और वहीं जो आपका रेस XP है वो जाता है 0 to 60 8.6 सेकंड में। सो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 4 सेकंड का फ़र्क है और 1 BHP का फ़र्क है। सो ये डिफरेंस है, बाकी कलर के ग्राफिक्स का डिफरेंस है और 3700 का प्राइस का डिफरेंस है। सो गाइस, उसमें आपको मिलेगा एक कलर रेस XP में, रेस एडिशन में आपको मिलेगा दो कलर्स, और बाकी मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दी है। और 3700 का तो एक्स शोरूम में डिफरेंस है, तो थोड़ा थोड़ा करते करते 4000 या 4200 तक का आपको डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। सो उस हिसाब से देख लें अगर आपको रिक्वायर्ड है। और एक चीज़ और मैंने देखी है कि रेस XP में 2 किलो वेट लूज़ किया गया है, सो
तो रेस एक्स भी पतला हो गया 2 किलो आप कह सकते हो। रेस एडिशन 118 केजी का था तो रेस एक्स भी 116 केजी का हुआ, सो 2 किलो वेट से भी उसकी पावर और रेस में फ़र्क आया। और गाइज थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको वॉइस कमांड कैसी कैसी उसमें मिलती है। आप बोल सकते हो चेंज मोड, मतलब चेंज मोड के लिए बोल सकते हो रेस से स्ट्रीट मोड, और शेयर माई लोकेशन, मिस कॉल, टॉप स्पीड, सो ये सब उसमें प्रीसेट्स हैं, वो प्रीसेट्स से ही आपको चलना पड़ेगा। वो प्रीसेट्स आप बोल सकते हैं जिससे वो स्कूटर आपका रिस्पॉन्ड करेगा विद स्क्रीन डिस्प्ले में, डिस्प्ले ही जो है वो कनेक्टेड है आपके ब्लूटूथ से, सो वो आपको उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। सो गाइज ये डिफरेंस है आपके TVS X रेस एडिशन और रेस XP के, और 3700 का डिफरेंस है आपका। सो अगर आपको लगे रेस एडिशन में इन्वेस्ट करना चाहिए तो रेस एडिशन लीजिए, वरना रेस XP भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है ग्राफिक्स हो गया, एक आपका ग्राफिक्स का हो गया, दूसरा आपका हो गया 1 BHP पावर का, और रेड अलॉय व्हील्स और वॉइस कमांड, बाकी आपकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम है। सो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए कि आपको रेस एडिशन लेना चाहिए रेस XP। अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ, अगर आप सुपर स्क्वाड लेते हैं सो सुपर स्क्वाड और रेस XP में सिर्फ 1000 रुपये का डिफरेंस है, 1000 रुपये का डिफरेंस। सो गाइज आप देख लीजिए आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब TVS Ntorq तो ऑलरेडी बेटर है, सबसे अच्छा है, सबसे पावरफुल है, सो बस अब वो देख लीजिए आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, रेस एडिशन, रेस XP या सुपर स्क्वाड। मतलब सुपर स्क्वाड में भी आपका रेस एडिशन वाले सारा फीचर है, बट ये है उसके कलर आपको डिफरेंस मिलेंगे, कलर आपको 3 मिल जाएंगे, ब्लैक और एक रेडिश सा आता है और एक ब्लू सा, सो वो आपको डिफरेंस मिलेगा। सो बाकी आप देख लीजिए किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, रेस एडिशन या रेस XP। डिफरेंस मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों स्कूटर काफ़ी अच्छी हैं, और बाकी वीडियो जल्दी आएगी रेस XP की, वो भी दिखा देंगे आपको। बाकी मैं हूँ आपका राइडर दोस्त, जय हिंद जय भारत, मनीष।